हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर नेक्स्ट ब्लॉग। तो आज हम जा रहे हैं पासपोर्ट ऑफिस, और वहाँ पे काम ये है कि भाई एक मेरा फ्रेंड है, उसको अपने पासपोर्ट का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना था, बट कुछ इशू आ रहा था तो पुलिस वेरिफिकेशन हो नहीं पाई है। तो उसको पता नहीं है कैसे क्या करना है, तो उसने मुझे बोला है कि भाई चल ले साथ में। और मैंने तो अपना पासपोर्ट बनवा रखा है, तो मुझे पता है कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करने पड़ते हैं। मैं जा रहा हूँ उसकी हेल्प करने के लिए, तो आपको भी आज दिखाऊंगा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र, जब अगर आपके किसी तरीके का कोई इशू आता है तो कहाँ पे जाना होगा। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं मजलिस पार्क, और हम जा रहे थे रास्ते में और हमें मिल गई अपने ही घर की गाड़ी, और ये है हमारे भैया। भैया जी हेलो कर दीजिए। और यहाँ से हम लोग जाएंगे मजलिस पार्क, मजलिस पार्क से लेंगे हम लोग मेट्रो। तो जैसा कि अपने घर की गाड़ी है तो ये है देखिए चैंपियन, अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ हैं। गाड़ी तो वैसे कमर्शियल है बट हम लोगों के लिए प्राइवेट गाड़ी है। अभी हम आ चुके हैं बलसवा डेयरी के पास, और यहाँ पे गाइस एक हो गया इंसिडेंट। आगे थे पुलिस वाले और इसमें अलाउड नहीं है तीन जने, मेरा फ्रेंड वहीं रुक गया रास्ते में, अभी आ रहा है वो, हमें पुलिस वालों से बचना था। तो गाइस हमारे यहीं तक था भैया का साथ, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ से मेट्रो स्टेशन जो कि है दूसरी तरफ। भैया टाटा बाय बाय। तो अभी हम लोग रोड क्रॉस करने वाले हैं वाया फुट ओवर ब्रिज के, फिर उधर क्या करने जाएंगे। तो गाइज हम लोग पहुंच गए हैं मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन, और हम लोग करने वाले हैं यहाँ से एंट्री। गाइज हम लोगों ने ले लिया है एंट्री यहाँ पे मजलिस पार्क मेट्रो स्टेशन में, और हमें जाना है भिकाजी गामा पैलेस। तो गाइज हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, हमारी मेट्रो निकल गई, और अब हम वेट कर रहे हैं दूसरे मेट्रो की जो कि कुछ ही देर में आ जाएगी, अब हम लोग उसमें बैठ के चले जाएंगे। गाइस हम आपको दिखा रहे हैं रूट मैप, हम लोग अभी यहाँ पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है आप यहाँ हैं, और ऐसे ऐसे करके हमें जाना है यहाँ भिकाजी गामा पैलेस, और उसके जस्ट आगे ही आता है सरोजनी नगर, लेकिन हमें कोई काम नहीं है सरोजनी नगर में, हमें काम है भिकाजी गामा पैलेस। और गाइस हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो आपको दिख जाएगा। इसका साबुन स्लो है बहुत ज़्यादा, कल तक आएगा क्या है भाई? हाँ यहाँ से मिल जाएगी, रेड लाइन चेंज करनी पड़ेगी, रेड लाइन। और ये हमारा, और ये मेट्रो हमारा स्वागत करता हुआ द्वार हमारे लिए खुलता हुआ, और हम लोगों ने ले लिया है इस रंग बिरंगे माहौल के सतरंगी मेट्रो में एंट्री। खासियत इस मेट्रो की है कि ये मौजपुर जाती है, मौजपुर से बाबरपुर डेस्टिनेशन स्टेशन, इसलिए रोज लो मौज लो ना मिले खोज लो। गाइस अब अंडरग्राउंड होने का टाइम आ गया है, पिसते पिसते जाओ, बस यही एक कर रहा है। सबसे बढ़िया जगह होती है ये वाली जो जगह है यहाँ, मैं जब भी मेट्रो में आता हूँ और भीड़ जब रहती है तो मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, क्यों? ये सबसे बढ़िया झूले की तरह काम करता है, मस्त झूले वाला फीलिंग आता है, मज़ा आ जाता है झूला झूलने में।
भाई साहब कितनी बड़ी लिफ्ट है यो। गाइस हम लोग आ गए हैं भिकाजी गामा पैलेस। प्लेस है पैलेस है भाई, अरे जो भी है। अब हम लोग यहाँ से कर रहे हैं एग्जिट और फिर उसके बाद जाएंगे हम यहाँ से पासपोर्ट सेवा केंद्र। गाइज हम लोगों ने मेट्रो से एग्जिट वगैरह तो ले लिया है और यहाँ से 650 मीटर दूरी पे ही पासपोर्ट सेवा केंद्र है। अब हम यहाँ से जाने वाले हैं पैदल और जो कि है यहाँ से मात्र 8 से 10 मिनट की दूरी पे। थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए जा रहे हैं, हालांकि ऑटो भी अवेलेबल है बट हम अपना पैसा खर्चा नहीं करना चाहते। मेहनत लगती है पैसे कमाने में, ये मैंने कुछ दिनों में देख लिया। और गाइस यहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े 5-स्टार होटल वगैरह हैं। अब हम बस पहुँच ही गए हैं ये पासपोर्ट रीजनल ऑफिस, इधर ही है इधर ही। अब हमने फाइनली एंट्री ले लिया है रीजनल ऑफिस के अंदर। 1 hour later तो गाइस हमारा काम हो गया है और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपना नाश्ता वगैरह करके। भूख बहुत तगड़ी लगी हुई थी तो यहाँ पे मस्त पनीर वाले पराठे मिल रहे थे तो हमने दबा के पेल लिए। अब हम प्रस्थान कर चुके हैं अपने घर के लिए। यहाँ से हम लोग जा रहे हैं अब मेट्रो स्टेशन। और अभी मेरे को पता चला कि यहाँ पर भूमिगत पैदल पारपत था। अब हमने बेवकूफ़ी करके 15 मिनट लगे होंगे हमको रोड क्रॉस करने में, क्योंकि ये थोड़ी सी दूरी पे पैदल पारपत था और ये अंडरग्राउंड है तो हमको दिखाई नहीं। लेकिन अब बहुत जल्दी कर लेंगे रोड क्रॉस। हमको अभी पता चला कि ये भूमिगत पैदल पारपत के अंदर ही अंदर मेट्रो की तरफ जाने का रास्ता भी है और हम लोग उस टाइम गलत गेट से निकल गए और इधर उधर भटकने लगे और ये सब हमारे एक दोस्त की वजह से हुआ है जिसने हमको बोला गेट नंबर 2 पे निकलने के लिए। और अभी हम आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन के अंदर और ये देखिए क्या जबरदस्त नज़ारा आपको दिख रहा होगा। ये देखिए क्या मस्त उस की प्लेची डाउन, ये मेरे 10वीं वाले दोस्त समझ गए होंगे। कमेंट कर देना बाकी सारों, तुम लोग आलसपन दिखा रहे हो बहुत ज़्यादा, किसी के कमेंट वगैरह नहीं आ रहे वीडियोस पे, लास्ट के वीडियोस पे रिव्यू अच्छे नहीं आए हैं। तगड़ा आना चाहिए उस पे ट्रैफिक, आग लगा देना आग। और ये आ रही है हमारी धन्नो, थोड़ी देर में हमारी धन्नो आती हुई। अब हम पहुंच गए हैं मेट्रो स्टेशन मजलिस पार्क। हम लोग कर रहे हैं यहाँ से मेट्रो से बाहर निकल रहे हैं फुल सेफ्टी के साथ। तो अब हम यहाँ से जाएंगे पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेंगे, घर पहुँचेंगे, उसके बाद थोड़ी देर करेंगे हम लोग रेस्ट और फिर हमारा पैसे की छपाई होगी अपनी।
ब्लॉग थोड़ा सा डिले है, तो रीज़न यही है कि भाई वर्क फ्रॉम होम चल रहा है मेरा, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वीडियो लाते रहें और आप सभी को एंटरटेन करते रहें। चले, मैं बस खड़ी है वहाँ, बुराड़ी जाएगी, बुराड़ी हॉस्पिटल, हाँ बुराड़ी जाते हैं बस, पता है तो डायरेक्ट यहाँ से मिल जाएगी ना। गाइस, तो हम लोग बाहर आ चुके हैं मेट्रो स्टेशन से और चिलचिलाती धूप, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। मेट्रो में तो भाई मस्त लग रहा था, बस एक ही दिक्कत थी, कछुए की चाल चला रहा था, लेकिन आखिरकार हम लोग पहुँच ही गए। लेकिन यार बाहर का माहौल बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत गर्मी लग रही है। अभी हमें यहाँ से थोड़ी दूर चल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट सर्विस नहीं है जहाँ हमें जाना है। तो अभी हमने अपने आप को डिहाइड्रेट होने से बचा लिया, मस्त चिल्ड गन्ने का जूस हमने पी लिया है और हम थोड़े से एनर्जेटिक हो चुके हैं। अब हम थोड़े से फुर्ती में चलेंगे। अभी हम लोग वहाँ से कुछ दूर पैदल चलने के बाद हमें मिल गई बस और हम आ गए हैं बलसवा बाईपास, होता मुकुंदपुर बाईपास। हमें घर जाने के लिए हमें यहाँ से लेना पड़ेगा ई रिक्शा। और गाइस, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ई रिक्शा हमें वहाँ से मिलेगा जो कि हमें हमारे घर पहुँचाएगा। तो गाइस, अभी जस्ट पहुंच गया हूं मैं अपने घर और वाकई में गर्मी बहुत ज़्यादा थी, हालत ख़राब हो गई और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो अब खा पी के रेस्ट करेंगे और उसके बाद एडिट करेंगे और फिर यूट्यूब पे डालेंगे। तो इस पे अच्छा रिस्पांस दीजिएगा तो मोटिवेशन मिलता है। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। बहुत लंबा, बहुत लंबा, बहुत...